भारत एक ऐसा देश है जो कि कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनके रहस्यों का खुलासा आज तक विज्ञान भी नहीं कर सकी है। वहीं उन्हीं में से एक है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का मंदिर, जो कि अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। ये मंदिर बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक में स्थित एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसमें 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं, इसलिए इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। रहस्य के इस अनूठे मंदिर में चूहों को दूध, लड्डू एवं अन्य पकवानों का भोग लगाया जाता है एवं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को चूहों का जूठा प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि करणी माता के दर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन वांछित फल मिलता है। चलिए जानते हैं करणी माता मंदिर का इतिहास, इसमें रहने वाले चूहों की वजह और इससे जुड़े कई रोचक एवं अनसुने तथ्यों के बारे में। राजस्थान के बीकानेर में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर करणी माता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि माता करणी बीकानेर राजघराने की कुलदेवी है। दरअसल माता करणी को माँ दुर्गा का साक्षात अवतार माना जाता है। वे बेहद बुद्धिजीवी एवं ज्ञानी महिला थी। करणी माता 1387 ईस्वी में एक शाही परिवार में रेघुबाई के नाम से जन्मी थी। उनकी शादी किबजी चारण से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही माता करणी का सांसारिक मोह माया से मन उब गया। फिर उन्होंने अपने पति किपोजी चारण की शादी अपनी ही छोटी बहन गुलाब से करवा दी और एक तपस्वी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने खुद को माँ जगदम्बा की भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर दिया। वहीं उनके धार्मिक काम और चमत्कारी शक्तियों की वजह से उनकी ख्याति आसपास फैल गई। लोग उनका काफी आदर और सम्मान करने लगे एवं दुर्गा माँ का अवतार मानकर उनकी आराधना भी करने लगे। करीब 151 साल तक जीवित रही थी करणी माता। इतिहासकारों का मानना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध करणी माता करीब 151 साल तक जिंदा रही थी। वहीं जहां आज ये प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, वहां बनी एक गुफा में करणी माता अपनी ईष्ट देवी की आराधना करती थीं। वहीं आज भी ये गुफा करणी माता मंदिर के परिसर में स्थित है। करीब 151 सालों तक जीवित रहने के बाद 1538 ईस्वी में करणी माता ज्योतिर्लिंग हो गई थी, जिसके बाद करणी माता की मूर्ति को इस गुफा में स्थापित कर दिया गया। फिर बाद में बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने करीब यहां करणी माता का मंदिर बनवाया। वहीं आज इस मंदिर से हजारों भक्त की आस्था जुड़ी हुई है। करणी माता मंदिर की शानदार संरचना एवं आकर्षक बनावट। राजस्थान के बीकानेर में स्थित एक शानदार मंदिर राजपूत और मुगल वास्तु शैली का इस्तेमाल कर बनाया गया है। करणी माता का मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। ये मंदिर देखने में काफी आकर्षक और सुंदर है। इस मंदिर की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी इस मंदिर की सुंदरता पर चार चांद लगाती है। इसके साथ ही माँ जगदम्बा की साक्षात अवतार माने जाने वाली करणी माता के मंदिर में बने खिड़की, दरवाजों और दीवारों में बेहतरीन कारीगरी की गई है, जो कि देखती ही बनती है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़े इस प्रसिद्ध मंदिर के दरवाजे को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने चांदी का बनवाया था। इस मंदिर पर रखा सोने का छत्र और चूहों के भोग के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी मंदिर के मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और इसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और करणी माता का आशीर्वाद भी लेते हैं। करणी माता मंदिर में चूहों से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं। राजस्थान के करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं। मंदिर में चूहों से कई रहस्य और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये चूहे राजस्थान की माता करणी के वंशज माने जाते हैं।
इस मंदिर में चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को माता करणी मंदिर की प्रमुख प्रतिमा पर पहुँचने के लिए अपने पैर घसीटते हुए पहुँचना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी चूहा भक्त के पैर के नीचे घायल हो जाता है तो अशुभ माना जाता है, और यदि गलती से किसी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो उसी जगह पर एक चांदी का चूहा बनाकर रख दिया जाता है। वहीं अगर करणी माता के मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों को सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद चूहे के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ के चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। ये हजारों चूहे करणी माता के मंदिर में संध्या वंदन एवं मंगला आरती के समय बिलों से बाहर आते हैं। वहीं राजस्थान के इस प्रसिद्ध करणी माता के मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तगण इन चूहों को भोग लगाते हैं और इनका जूठा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। 20वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित इस प्रसिद्ध करणी माता मंदिर को चूहों की ज़्यादा संख्या होने की वजह से इसे मूषक मंदिर या फिर चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। हजारों की तादाद में भी चूहे होने के बावजूद नहीं आती दुर्गंध एवं नहीं फैलती बीमारी। माँ जगदम्बा के साक्षात अवतार माने जाने वाली राजस्थान के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में हजारों की तादाद में चूहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ भक्तों को पैर जमीन पर घसीट कर चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी यहाँ चूहों की किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती। साथ ही आज तक इन चूहों से किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैली है। जबकि आम तौर पर चूहे आम जनता के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं, इनसे प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी फैलती है। वहीं आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर में पहले प्रसाद चूहों को चढ़ाया जाता है और फिर उनका जूठा प्रसाद यहां आने वाले भक्तों को वितरित किया जाता है। बता दें कि आज तक कोई भी भक्त चूहों का झूठा प्रसाद खाकर बीमार नहीं पड़ा। करणी माता के वंशज माने जाते हैं ये चूहे। माँ जगदम्बा का साक्षात अवतार माने जाने वाले राजस्थान की प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में रहने वाले हजारों चूहों से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इस माता मंदिर में रहने वाले चूहों को करणी माता की संतान या वंशज बताया जाता है। इससे जुड़ी कथा के मुताबिक एक बार करणी माता का सौतेला बेटा लक्ष्मण, जो कि उनके पति की फौजी चारण और उनकी छोटी बहन गुलाब का पुत्र था, वे कोलायत में बने हुए एक सरोवर में पानी पीने की कोशिश के दौरान डूब गया और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहीं जब ये बात करणी माता को पता चली तो तब उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की कठोर तपस्या कर अपने सौतेले बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन पहले तो यमराज ने लक्ष्मण को फिर से जीवित करने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने करणी माता की कठोर आराधना से प्रसन्न होकर उनके सौतेले पुत्र लक्ष्मण को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए करणी माता के मंदिर में इन चूहों को माँ का बेटा माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में इन चूहों से जुड़ी अन्य लोक कथा के मुताबिक एक बार करीब 20,000 सैनिकों की विशाल सेना बीकानेर के पास स्थित देशनोक पर हमला करने के उद्देश्य से आई, जिसके बाद देशनोक की सुरक्षा के लिए करणी माता ने अपनी चमत्कारी शक्ति और प्रताप से इन सैनिकों को चूहा बना दिया और उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से ये चूहे बेटे के रूप में करणी माता की सेवा कर रहे हैं। करणी माता मंदिर दर्शन का समय, वैसे तो ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। कैसे पहुंचे करणी माता मंदिर? राजस्थान के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता करणी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। ये बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। देशनोक रेलवे स्टेशन बीकानेर जोधपुर रेल मार्ग पर स्थित है, जहां से राजस्थान के आसपास के इलाके काफ़ी अच्छी रेल सुविधा से जुड़े हुए हैं। वहीं करणी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए बीकानेर से कई बेहतरीन बस और टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही यहां श्रद्धालुओं के रहने और भोजन के लिए भी काफ़ी अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं।
राजस्थान के प्रसिद्ध करनी माता के मंदिर में साल में दो बार नवरात्रों के दौरान मेला भी लगता है। इस दौरान इस मेले को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसके साथ ही लोग यहां मुंडन करवाने और अन्य मनौतियों को लेकर यहां आते हैं एवं करनी माता का आशीर्वाद भी लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर हमें सुझाव भी दें। अगर आप इस तरह की वीडियोस और भी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें।